जूनागढ़ જિલ્લાનું સાસણ ગીર વિશ્વ બન્યા પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે। અહીં પ્રવાસીઓ ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં આવતા હોવાથી બાળકોથી લઈને વૃદ્ધ સુધીના પ્રવાસીઓ આનંદ મેળવે છે અને સાસણની ભવ્યતાને માણવાનો અવસર પણ મેળવે છે। તે માટે વિવિધ સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવી રહી છે જેનું નિરીક્ષણ કેબિનેટ મંત્રી જવાહરભાઈ ચાવડાએ કર્યું હતું અને વિવિધ કાર્ય માટે સૂચનાઓ પણ આપવામાં આવી હતી। सासण गीर में यात्री सुविधा वधारी ने वधु में वधु प्रवासी मुलाकाते आवे ते हेतुसर कायमी सक्रिय रहता प्रवासन मंत्री जवाहरभाई चावड़ाए रुपया 36 करोड़ खर्चे यात्री प्रवासी सुविधा विकास कामों मंजूर कर्या हता। आ काम की गुणवत्ता साथ थयेली प्रगति निरीक्षण करवा माटे आजे तेओए सासण की मुलाकात लीधी हती। आ तके रुपया 28 लाख खर्चे तैयार करवामां आवेला खास एक एवी 5 एसी बसों देवड़िया खाते आवता प्रवासीओ माटे लोकार्पण करवामां आव्युं हतुं। टूंक समय में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीथी सज्ज कुल 10 बसों कार्यरत थशे। त्यारे मंत्री जवाहरभाई चावड़ाए वन अधिकारीओ पासेथी सासणमां चालता विकास कार्योनी प्रगतिनी रजे रजनी माहिती मेळवी हती। सासण आवता प्रवासीओ माटे वाणिया वाव चेकपोस्ट पासे तेमज सासणथी सोमनाथ जता वेरावळ नाका पासे आकर्षक प्रवेश द्वारनुं निर्माण करवामां आवशे। सासणमां चालता विकास कामोना तमाम स्थळोनी मंत्री जवाहरभाई चावड़ाए मुलाकात लईने कामनी गुणवत्ता जाळवा साथे समय मर्यादामां पूर्ण करवा अधिकारीओने सूचना आपी हती। जयारे माणस फरवा जातो होय छे तो आखो फेमिली भेगू जातो होय, मां बाप पण होय, दीकरो दीकरी पण होय अने एना बाळको पण होय, तो त्रण जनरेशन भेगा फरवा जाता होय। तो त्रणेय जनरेशन सासण आवेला होय तो त्रणेय जनरेशनने पोतानी अलग अलग साइट मिली सके, जगह मिली सके, पोते माणी सके, पोताने लगे कि अलग व्यवस्था बनावेली छे एनु ज्ञान थई सके। ते गणतरी अत्यारे एम तो बे साइट अमारी देवड़ियानी अने सी सदनी आ जनरल बनावीए छे, एनो उपयोग बधाय करे अने वांधो न आवे एते बाळकोनी गणतरी अमे आखू एक किड्स विस्तार आखो उभो करीए छीए। जूनू पकड़ायेल उछेर केन्द्र हतुं તે જગ્યાએ આખો કિડ જરિયા બનાવ્યા છે, જ્યાં સ્કૂલમાંથી કોઈ કેમ્પ આવેલી હોય, ટૂર આવેલી હોય તો રહેવાની ટેન્ટની વ્યવસ્થા અને પોતે એના ક્લાસીસ અટેન્ડ કરી શકે અને વાઇલ્ડ લાઈફ અને કુદરતી વચ્ચે રહી શકે અને જાણી શકે તે વ્યવસ્થા કરેલી છે। जो गीर लैंडस्केप है उसके जब भी कोई टूरिस्ट या कोई भी विजिटर आता है तो सबसे जो पहली चीज़ देखता है सासण में लगता है, तो सासण एक ऐसा पॉइंट है कि कोई भी आया तो ये एक अट्रैक्शन का पॉइंट है और यहाँ से सारी जो भी सफारी या जो भी आगे की एक्टिविटीज़ होती है। अपने वैसे देखें तो साल के लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट इस प्लेस को विजिट करते हैं, जो कि ऑफिशियली परमिट लेकर के और जाते हैं और उस तरह का ये है। उस सभी को देखते हुए अपने जो सरकार है उसने काफ़ी इसको महत्व दिया और एक सासण विकास जो हो उसके लिए एक प्रोजेक्ट किया। उस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे काफ़ी सारे अपने काम चल रहे हैं। उसी काम में से आप देख पा रहे हैं कि जैसे बस आज 5 बस का लॉन्च किया है और 5 बस अभी फैब्रिकेशन में है, तो आ जाएगी तो 10 बस एक जो आधुनिक सब कुछ लेटेस्ट वाली बस है और उससे क्या होगा एक टूरिस्ट को अलग टाइप का एक्सपीरियंस मिलेगा। आप बस देखिएगा पूरा उसका डिज़ाइन और वो किस तरह से क्या है और गीर की पूरी वाइल्ड लाइफ को देखते हुए पूरा सब बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया, इवन स्काई व्यू भी आ सकता है। सासण गीर खाते प्रवासीओ परिवार साथे आवता होय छे। 3-3 पेढ़ीना बाळकोथी लईने वृद्धो सुधी प्रवासीओ आवता होवाथी दरेक उमरना लोकोने अहीं आनंद आवे अने नवू नवू जाणवा मळे, तेने ध्यानमां राखीने बाळको माटे अने वृद्धो माटे पण पार्क बनाववामां आवी रह्यो छे। ते उपरांत सनसेट पॉइंट अने देवळिया पार्कमां 10 माळ जेटलो ऊंचो वॉच टावर बनाववामां आवी रह्यो छे, जेनाथी ऊपर जईने लोको जंगलने निहाळी शके छे। दिव्यकांत बुवा, निर्वाण न्यूज, जूनागढ़।